हेलो एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आई होप दैट यू आल आर डूइंग गुड गाइज आज हम इस वीडियो लेक्चर में डार्क रूम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो चलिए गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है मैनुअल प्रोसेसिंग में जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है इट 20 टू 22 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट सबसे पहले आप याद रखना चलिए हाँ. तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपर सोल्यूशन जो मैनुअल प्रोसेसिंग में डेवलपर सोल्यूशन यूज होती है ना डेवलपमेंट प्रोसेस में उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है, है? हाथ सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है हाँ तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं डेवलपर सोल्यूशन में नंबर फर्स्ट इज मीटॉल नंबर फर्स्ट इज मिटॉल मिटॉल इज रैपिड एक्टिंग एंड प्रोड्यूस लाइटर शेड्स ये जल्दी जल्दी एक्ट करता है ये रैपिड एक्टिंग होता है और ये क्या करता है इट प्रोड्यूसिस लाइटर शेड्स इट प्रोड्यूसिस लाइटर शेड्स इसके बाद जो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे होता है दैट इज हाइड्रोक्विनोन दैट इज हाइड्रोक्विनोन हाइड्रोक्विनोन इज स्लो एक्टिंग ये स्लो एक्टिंग होता है एंड इट प्रोड्यूस ब्लैकेस्ट शेड्स ठीक है ये कौन सी शेड प्रोड्यूस करता है ब्लैकेस्ट शेड्स ठीक है हाँ तो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव क्या पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव ठीक है हाँ तो डेवलपर सोल्यूशन में जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है इट इज सोडियम सल्फाइड इट इज सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड की फंक्शन क्या है या प्रिजर्वेटिव की फंक्शन क्या है इट प्रोटेक्ट द रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम एरियल ऑक्सीडेशन अगर Uh, reducing को खतरा रहता है किसका? Oxidation का. Oxidation by ear, है 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 किसका का ठीक लेकिन जो sodium, uh, होता तो अब आपको यहाँ पे एक और point याद रखना है कि अगर एरियल ऑक्सीडेशन होगी रिड्यूसिंग एजेंट्स की या हम बोलेंगे कि अगर डेवलपर की ऑक्सीडेशन होगी तो वो जो ऑक्सीडाइजिंग डेवलपर होता है ना वो कौन सा कलर अटेन करता है ब्राउनिश कलर कौन सा कलर अटेन करता है ब्राउनिश कलर ठीक है हाँ नाउ द थर्ड कंपोनेंट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज एक्टिवेटर यहां पे थर्ड कंपोनेंट कौन होता है एक्टिवेटर जिसका जिसको हम एक्सेलरेटर uh, भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्सेलरेटर ठीक है हाँ और डेवलपर सोल्यूशन में कौन सा एक्सेलरेटर होता है कौन सा एक्टिवेटर होता है इट इज सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इनकी फंक्शन क्या होती है दे हेल्प स्वेल जेलेटिन जो इमल्शन में जेलेटिन होता है यह उनको क्या करता है स्वेल करता है Also इट produces alkalis, यह अल्कलीज़ को प्रोड्यूस करता है एंड इट also controls pH, ये डेवलपर सॉल्यूशन में एक्ट करता है एज बफर ये क्योंकि ये कंट्रोल करता है पीएच को ठीक है हां और अलकलीज भी ये प्रोड्यूस करता है नाउ फोर्थ कंपोनेंट इन डेवलपर सोल्यूशन इज रेस्ट्रेनर इट इज रेस्ट्रेनर तो क्या होता है इसमें रेस्ट्रेनर बेसिकली जो रेस्ट्रेनर होता है इट इज एन एंटीफॉगिंग एजेंट ये एंटीफॉगिंग एजेंट होता है एंटीफॉगिंग एजेंट का काम क्या होता है इट प्रोटेक्ट द एक्शन ऑफ डेवलपिंग एजेंट टू डेवलप अनएक्सपोज क्रिस्टल यह डेवलॉपिंग एजेंट को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो अनएक्सपोजर क्रिस्टल को डेवलप ना करे ठीक है सो रेस्ट्रेनर इज एन एंटीफॉगिंग एजेंट एंड हियर द एंटी फॉगिंग एजेंट द रेस्ट्रेनर यूज इन डेवलपर सोल्यूशन इट इज पोटेशियम ब्रोमाइड इट इज पोटेशियम ब्रोमाइड ठीक है हां तो नंबर लास्ट यहां पे क्या यूज होता है सॉल्वेंट यहां पे यूज होता है सॉल्वेंट आप सबको पता होगा कि वाटर इज यूज एज ए सॉल्वेंट हियर एंड इट्स फंक्शन द फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज टू डिजोल्व द केमिकल फॉर यूज जो यहां पे केमिकल यूज होते हैं उनको डिजॉल्व करना तो ये किसका काम होता है सॉल्वेंट का जो कि यहां पे वाटर होता है ठीक है आई होप गाइस कि जो कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन है वो आपने अच्छे से समझे होंगे ठीक है नाउ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ फिक्सर सॉल्यूशन क्योंकि यहां पे फिक्सर सॉल्यूशन भी हमें होती हैं तो अब हम देखेंगे कि फिक्सर सॉल्यूशन में क्या-क्या होता है नंबर फर्स्ट कंपोनेंट इन द फिक्सर सॉल्यूशन यू हैव टू रिमेंबर इज फिक्सिंग एजेंट यहां पे फिक्सिंग एजेंट होता है और फिक्सिंग एजेंट कौन कौन सा यूज होता है यहां पे सोडियम इन पाउडर्ड फॉर्म यू हैव टू रिमेंबर इट जो सोडियम होता है इट इज यूज इन पाउडर्ड फॉर्म एंड जो uh, होता है यहां पे अमोनियम थायोसल्फेट एंड अमोनियम इज यूज इन लिक्विड फॉर्म इनका काम क्या होता है दे रिमूव अनएक्सपोज सिल्वर ब्रोमाइड फ्रॉम इमल्शन ये अनएक्सपोज सिल्वर ब्रोमाइड को इमलशन से रिमूव करते हैं ठीक है दिस इज द फंक्शन ऑफ फिक्सिंग

हाँ, तो ये ये हुआ प्रिजर्वेटिव इसके बाद यहां पे एक और कंपोनेंट uh, यूज होता है दैट इज हार्डनर दैट इज हार्डनर हार्डनर का काम क्या होता है इट हार्डन द इमोल्शन ये इमोल्शन को हार्ड बनाता है इस तरह से क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द इमोल्शन फ्रॉम स्क्रैच ये इसको स्क्रैच से बचाता है ठीक है और जो यहां पे हार्डनर यूज होता है फिक्सिंग एजेंट में वो कौन से होते हैं पोटेशियम आलम एंड क्रोम अलम, कौन कौन से पोटेशियम अलम एंड क्रोम अलम, ये याद रखना ठीक है इसके बाद यहां पे क्या यूज हो, होता है इसके बाद यहां पे यूज होता है एक्सेलेटर और विच यू कॉल एज एक्टिवेटर हाँ यहां पर एक्सेलेटर या एक्टिवेटर कौन कौन से यूज होते हैं एक तो होता है एसिटिक एसिड कौन कौन सा एसिटिक एसिड एंड एच टू एस ओ फोरिक एसिड इनका काम क्या होता है कि दिस एक्सेलरेटर इट मेंटेन इज द प्रॉपर पीएच ये प्रॉपर पीएच को मेंटेन करता है और वी कैन से दैट कि इट एक्ट्स एज ए बफर द एक्सेलरेटर एक्ट्स एज ए बफर हियर यहां पे कौन सा बफर uh, होता है बफर का, का काम करता है सी एच थ्री सीओ ओ एच एंड एच टू एसओ फोर लेकिन यहां पर कौन सा बफर का काम करता है यहां पे बफर का काम करता है कौन सा Na2CO3 ए टू एंड एन ठीक है हा तो सबसे लास्ट में यहां पे क्या यूज होता है यहां पे यूज होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट यहां पे वाटर ही यूज होता है जिसमें क्या होते हैं कि ये केमिकल्स डिजोल होते हैं ठीक है हाँ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिक्सर सोल्यूशन और इनको याद रखना ऐसे ही ठीक है ये हर एग्जाम में इसे दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गाइज आई होप कि फिक्सर uh, सोल्यूशन के कंपोनेंट भी आपने अच्छे से समझे होंगे तो चलिए गाइज अब हम क्या करते हैं अब हम ऑटोमैटिक प्रोसेसर के रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे ठीक है हाँ, ऑटोमैटिक प्रोसेसर ठीक है आपको पता ही है कि आजकल हम ज्यादातर ऑटोमेटिक प्रोसेसर का ही यूज करते हैं ठीक है हाँ, तो अब जो ऑटोमेटिक प्रोसेसर है इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है तो ऑटोमेटिक प्रोसेसर में आपको क्या याद रखना है सबसे पहले कि डेवलपिंग एजेंट यहां पे कौन सा यूज होता है डेवलपिंग एजेंट हां डेवलपिंग एजेंट यहां पे यूज होता है या जिसको आप बोलते हो रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोक्नॉन इड्रोक्नॉन और यूज होता है यहां पे फेनीडॉन फेनीडॉन देखिए अगर आपको यहां पे डेवलपिंग एजेंट पता होगा मैंने बोला हाइड्रोक्टॉल एंड मीटॉल एंड हियर मीटॉल इज रिप्लेसड बाय फेनिडॉन ठीक है मीटॉल के बदले यहां पे यूज होता है कौन सा फेनीडॉन ठीक है हां तो अगर हम यहां पे डेवलपर uh, टेम्परेचर की बात करेंगे कि जो डेवलपर सोल्यूशन होती है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए हेयर इट इज थर्टी तो 42 डिग्री सेल्सियस ये भी याद रखना ठीक है 38 एट टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस यहां पे डेवलपर टेम्परेचर होता है हां तो इसके बाद हम यहां पे देखेंगे प्रिजर्वेटिव यहां पे हम देखेंगे अब प्रिजर्वेटिव ठीक है जो यहां पे प्रिजर्वेटिव यूज होता है दैट इज सोडियम सल्फाइट सोडियम सल्फाइट सोडियम सल्फाइट और क्या यूज होता है एक और यहां पे प्रिजर्वेटिव यूज होता है दैट इज बेंजो बेंजोट्राइजोल तो ये याद रखना है ठीक है दिस इज प्रिजर्वेटिव अब यहां पे हार्डनर भी यूज होता है क्या यूज होता है हार्डनर द हार्डनर यूज हियर इज गुलिटेरल डिहाइड ठीक है ये याद रखना है क्या गुलिटेराइड बेसिकली आपको पता ही है कि जो हार्डनर होता है वो क्या काम करता है इट हार्डन इज द इमल्शन लेयर एंड दस इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच ठीक है हां एक और यहां पे कंपोनेंट होता है दैट इज सिक्सट्रिंग एजेंट क्या यूज होता है यहां पे का काम क्या होता है कि इट रिमूव मेटल इंप्योरिटीज अगर मेटल इंप्योरिटीज होगी फिल्म पे तो उनको कौन रिमूव करता है सुक्रिंग एजेंट एंड द सुंग एजेंट यूज इन ऑटोमेटिक प्रोसेसर इज चीलेट्स यहां पर चीलेट्स होते हैं चीलेट्स का यूज होता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इडटा इडटा

पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट के टू थ्री ठीक है के टू थ्री हां तो ये आपको याद रखना है किसमें ऑटोमेटिक प्रोसेसर में हां यहां पे एक और पॉइंट आप याद रखना कि रिंसर जो का काम होता है ना मैनुअल प्रोसेसिंग में यहां पे रिंसर का सेटअप इलिमिनेट किया गया रिंसर का सेटअप यहां पे यूज नहीं होता है दिस इज ऑल अबाउट ऑटोमेटिक प्रोसेसर तो गाइस ये थी ऑटोमेटिकूम uh, और ऑटोमेटिक प्रोसेसर की synopsis, तो ये आप याद रखना तो इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगा आपको तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है तो गाइज आई होप कि आज का जो लेक्चर था आपने एंजॉय किया होगा किसी को कोई डाउट होगा कोई क्वारी होगी तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना फिर अमान